हेलो, वेलकम टू अवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। और आज की जो वीडियो है हमारी थोड़ा टॉपिक से हटके है, लेकिन ये आपकी ऑन डिमांड पर लाई गई है वीडियो, क्योंकि जो हमारी लास्ट से लास्ट वीडियो थी उस पर हमारे एक व्यूअर्स ने कहा था कि हम एक वीडियो बनाएं कि जो बिगिनर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में कैसे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है जिसका टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक एंड अ बिगिनर्स गाइड। ओके, अब इन्वेस्टिंग सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। अगर हम जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे वॉरेन बफेट, अगर उनके अकॉर्डिंग हम चलें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब जो होता है कि आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो आप ये मत करें कि उसमें हो सकता है शायद लॉस हो जाए, उसमें हो सकता है कि शायद हम पैसा डुबा दें। हमेशा इस पर्पज़ के साथ इन्वेस्ट करें कि आपको जब भी फ्यूचर में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालेंगे तो आपका पैसा जो है वो ग्रोथ के साथ आपको मिलेगा। यानी कि जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा आपको बढ़कर मिलेगा जब भी आप उसको रिडीम करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का जो सबसे पहला मोटिव होता है ग्रोथ लेना। आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही ये होता है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ ऐड हो। अगर ग्रोथ ऐड नहीं हो रही है तो वो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या है आपका। ठीक है, ये होती है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करते टाइम कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी तो मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया था, तो जो सबसे पहला स्टेप मैंने देखा था या लिया था वो था कि मैं पहले अपने आप को मेजर करूं कि मैं किस तरह का इन्वेस्टर हूं। वैसे ही आप भी कर सकते हैं। अब जो इन्वेस्टर होते हैं वो मेजरली तीन टाइप के होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो रेगुलरली चेक करते रहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कि भाई आज जैसे हम आज इन्वेस्टमेंट हमने करा, कल सुबह उठ के हम फिर देखेंगे भाई इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या रिटर्न आया, फिर अगले दिन देखेंगे क्या रिटर्न आया, फिर तीसरे दिन देखेंगे क्या रिटर्न आया। मतलब हम डेली बेसिस पे उसमें कुछ ना कुछ चेकिंग करते रहते हैं। ठीक है, और एक इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए और भूल गए, जो चेक करेंगे 5 साल बाद 7 साल बाद कि भाई हमारे पैसे पे क्या रिटर्न हमको आया है। देखिए, दोनों के अपने कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। अगर आप रेगुलरली बेसिस पे चेक करते हैं तो इसका पॉजिटिव साइन जो होता है, पॉजिटिव जो एक आपको रिजल्ट मिलेगा कि आप रेगुलरली अपने पैसे की वैल्यू को मेजर कर पाएंगे। जैसे ही आपको लगेगा कि भाई आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा है तो आप उसमें से या उन स्टॉक्स में से निकल के आप बेटर दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसका एक जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि आप डेली बेसिस पे जब रिव्यू कर रहे हैं तो कई बार आपको जब आप नए इन्वेस्टर हैं आपको लगता है यार पैसा डूब रहा है, लेकिन जो स्टॉक के फंडामेंटल्स होते हैं उसके बारे में अगर आपको नॉलेज ना हो तो आप उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। तो उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास पेशेंस अच्छे हों। अगर आपने स्टॉक अच्छा चुना है और फिर भी वो गिर रहा है या मार्केट में उसमें अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो हो सकता है वो उसके कुछ ना कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक जो है वो ख़राब है। अगर उसका जो स्ट्रेंथ है या जो उसका बैकअप है वो काफ़ी अच्छा है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा इन्वेस्टर होता है वो होगा कि आप अपनी रिस्क एबिलिटी जो है ना, अपनी इन्वेस्टमेंट पे आप कितना रिस्क ले सकते हैं ये आपको चेक करना चाहिए। जैसे कि अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी एक नया इन्वेस्टर हूँ, यंग हूँ, तो फ्यूचर बहुत लंबा है मेरे सामने, तो मैं चाहूँ तो अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे ये भी बात है कि उतना अच्छा रिटर्न्स आप ले सकते हैं मार्केट में। लेकिन रिस्क का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी रिसर्च ना करें, उस पर थोड़ी सी भी मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उनको ना देखें, बिना सोचे समझे बस मार्केट में एक हवा चली कि भाई इस स्टॉक में पैसा लगा दो, 8-10% का रिटर्न था दो दिन से, आपने जाके लगा दिया, ये रिस्क टेकिंग नहीं होता। रिस्क टेकिंग के आपको फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं लेकिन कंपनी अभी ग्रो नहीं कर रही है। अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं और आपने उसको अच्छे से रीड किया है तो कंपनी डेफिनेटली इन फ्यूचर ग्रो करेगी। हो सकता है और लोगों से पहले आपने उस चीज़ को देख लिया है और आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और कुछ टाइम बाद होगा कि लोगों की नज़र में वो आएगा और लोगों की इन्वेस्टमेंट उसमें आनी चालू हो जाएगी, तब आपको आपके इन्वेस्टमेंट का पॉजिटिव रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड काइंड ऑफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो होते हैं कि जो मतलब एक तो रोबो एडवाइज़र्स। अब जो रोबो एडवाइज़र्स है ये जो वर्ड पहली बार हमें सुनाई दिया था जब 2008 में जो स्लो डाउन हुआ था इकोनॉमी में, तो पूरे वर्ल्ड में लोग थोड़ा सा मतलब सोचते रह गए थे कि भाई ये हुआ क्या अचानक से, क्योंकि लोगों को अच्छी खासी नॉलेज थी बट फिर भी वो लोग नहीं कर पा रहे थे, इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न नहीं ले पा रहे थे। तो ये वर्ड उस टाइम बहुत ज़्यादा मार्केट में आया था कि रोबो एडवाइज़र्स हैं,
आप मतलब रोबो एडवाइजर्स को फॉलो करते हैं या फिर आप अपनी रिसर्च खुद से करते हैं, ठीक है। अब ये जो रोबो एडवाइजर्स है, ध्यान रखिए, ये मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप जस्ट टू मतलब समझ लीजिए कि अभी आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं या नहीं हैं, ठीक है। अब आपने अपना इन्वेस्ट, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, जब आपको ये पता लग गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू, आपको कुछ ना कुछ एक जरिया चाहिए जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। अब देखो, इन्वेस्टमेंट या दो तरीके की या काफ़ी तरह की हो सकती है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे तो उसके लिए आपको किसी स्टॉक ब्रोकर की या डीमैट अकाउंट की नीड जनरली नहीं होती है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस उसके अलावा भी अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए। लेकिन जब आप कैपिटल मार्केट में जाते हैं या सिक्योरिटीज़ मार्केट में जाते हैं, तब आपके पास एक डीमैट अकाउंट की नीड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब आप डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तभी आप लोग मार्केट में अपना जो सेल या परचेज का ऑर्डर है उसको पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर ढूंढिए। अब वो आपके ऊपर है कि वो किस तरह का स्टॉक ब्रोकर हो सकता है। देखिए, जनरली दो तरह के स्टॉक ब्रोकर मार्केट में होते हैं, या तो वो फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर होगा या फिर वो डिस्काउंटेड स्टॉक ब्रोकर होगा। अगर आप फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के पास देखते हैं तो वो आपको पूरी सर्विस देंगे, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी सर्विसेज आपको देंगे, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। उनका जो स्टॉक ब्रोकरिंग चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है डिस्काउंटेड ब्रोकर्स के मुकाबले, लेकिन उनकी सर्विसेज भी डिस्काउंटेड ब्रोकर के मुकाबले काफ़ी अच्छी होती हैं। लेकिन अगर आप डिस्काउंटेड ब्रोकर्स पे जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज चार्ज बेशक थोड़ा कम हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको किसी दूसरे ज़रिए से आपका उतना ही पैसा निकलवा लेंगे। मतलब जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो आपको कह के ले रहा है कि भाई मैं 2% का ब्रोकरेज चार्ज लूँगा आपसे हर आपकी सेल या परचेज के ऑर्डर पे। लेकिन डिस्काउंटेड ब्रोकर जैसे कि वो कहेंगे भाई आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करो 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का, हम आपसे 20 रुपये चार्ज करेंगे बस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2% का हिसाब तो नहीं रहा, लेकिन वो क्या दूसरा गेम खेल सकते हैं कि आप जब भी अपने अकाउंट में पैसा लोड करेंगे बैंक से या फिर पैसा विड्रॉ करेंगे उस टाइम पे आपसे पैसा चार्ज कर ले, तो कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है। और जो डिस्काउंटेड ब्रोकर्स होते हैं उनकी सर्विसेज भी काफ़ी लिमिटेड होती हैं। जैसे अगर उनको आईपीओ में आपको पैसा डालना है, ठीक है, आप आईपीओ ले तो लोगे, लेकिन फुल सर्विस ब्रोकर के साथ आप क्या तुरंत आईपीओ जैसे ही लिस्ट हुआ उसी दिन आप सेल परचेज कर सकते हो। लेकिन जो डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हैं उनको आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके देनी पड़ती है भैया कि आईपीओ आ गया है आपके अकाउंट में, अब हम उसको सेल करना है, ठीक है। तो ये होता है डिस्काउंटेड ब्रोकर्स का। अब तीसरा जो स्टेप होता है, जो लोग मतलब अपना बजट काफ़ी टाइट लेके चल रहे हैं, जिनको लगता है कि भाई हमारे अर्निंग्स में हम लोग स्टॉक मार्केट का जो कहते हैं ना रिस्क वो नहीं ले सकते हैं, तो वो लोग जनरली एक ऑप्शन ले सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जो एम्प्लॉयर्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होती है वो जनरली देखो 2 या 3 तरह की होती है अगर हम ग्लोबली बात करें, लेकिन इंडिया में जो सबसे फेमस है वो है पीएफ का। लोग जनरली अपना पीएफ में पैसा लगाया, 8-8.5% का एनुअली रिटर्न लिया अपनी इन्वेस्टमेंट पे और खुश अपना मतलब कि रिटायरमेंट पे भैया इतना पैसा आ जाएगा, खुश हो गए, ठीक है। या फिर कई बार आजकल जो मतलब जो नए एम्प्लॉयर्स हैं या फिर जो नई कंपनीज मार्केट में आ रही हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ऑप्शन और देते हैं कि भाई आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। कंपनीज़ उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं जो मतलब मार्केट का अच्छा खासा जानकार है उसके थ्रू या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, और आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक फिक्स रिटर्न के साथ आपको एक अमाउंट वापस कर देते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप अपनी रिस्क एबिलिटी यहाँ पे भी कैलकुलेट कीजिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो वो होगा कि जब आप ब्रोकर चुनते हैं उसमें ब्रोकर जब भी आप चुनें तो ये देखें कि जितने भी मार्केट में ब्रोकर हैं उनका कमीशन रेट क्या है, उनकी एनुअल फीस क्या है, तभी आप अपना स्टॉक ब्रोकर चुनें। क्योंकि आप अगर एक पे गए आपने उसी को सेलेक्ट कर लिया, अब हो सकता था अगर आप दूसरे पे जाते तो वहाँ पे आपको जो चार्जेज हैं या जो एनुअल फीस है वो थोड़ी कम मिलती, हो सकता था जनरली, ठीक है। या फिर अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर्स की तरफ भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कम से कम 3 से 4 ऑप्शन अपने सामने खुले रखिए ताकि आप लोग एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ जब आप स्टॉक ब्रोकर को चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में भी क्या होती है, देखो कहा जाता है कि एकदम मतलब फ्री इन्वेस्टमेंट, ना कोई कमीशन ना कुछ, लेकिन इसमें भी एक जो बात है जो लास्ट में आपने पढ़ा होगा म्यूचुअल फंड सही है कि नीचे एक लाइन आती है कि अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं म्यूचुअल फंड में से, ठीक है, तो वो 1% का एग्जिट लोड लगा देते हैं उस पर, यानी कि आपका जितना भी पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं उसका 1% वो उस पर एग्जिट लोड यानी कि उनका एक कमीशन हो जाता है, वो तो वो कमीशन वो काट लेते हैं।
तो आप उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए या उतने ही टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए जहाँ पर आपका पैसा बिना किसी कमीशन चार्ज के आप जब विड्रॉ करें तो आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जो मेन और सबसे बड़ा जो डिसीज़न होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को ये नहीं है कि आप मतलब रिस्क है तो रिस्क एक जगह लेते ही चले गए। अगर आपके पास 100 रुपये है माना हमने, तो 100 का 100 आप रिस्क में मत डालिए, ठीक है। उसका कुछ परसेंट आप लोग सेफ खेलिए, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मान लो मेरे पास 10,000 रुपये थे, अब अगर मैं 10 के 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दूँ और कल को मुझे उस पर अच्छा रिटर्न नहीं आता है तो मेरे तो 10 के 10,000 रुपये पर मैं लॉस खा गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन करूँ उस 10,000 रुपये का, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 या 7,000 रुपये का रिस्क, अगर मेरी रिस्क एबिलिटी है अच्छी खासी कि मैं 60 या 70% अमाउंट पे रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं 60-70% अमाउंट अपना स्टॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। उसमें से 30% मैं अपना डेब्ट्स में या म्यूचुअल फंड्स में डाल दूँगा, ठीक है। अब इससे क्या है कि अगर 60-70% पे कभी मेरे को लॉस होता भी है तो डेब्ट्स फंड में लॉस होने के चांसेस बहुत मिनिमल होते हैं, तो वहाँ पर मेरे को कुछ ना कुछ रिटर्न उस 30% अमाउंट पे मिलेगा, जिससे कि जो मेरा डाइवर्सिफिकेशन तो हो गया, लेकिन अगर मैं पर डे या पर ईयर की बात करूँ तो जो लॉस मेरे को हो रहा है वो लॉस भी मेरा कहीं ना कहीं कम हो गया है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन होना इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़रूरी है आपकी, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू जो है आप अपना जो रिस्क है उसको थोड़ा सा कम कर पाएंगे। और इसके बाद आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो, कि बॉटम लाइन क्या है आपकी, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी रिस्क जो एबिलिटी है उसकी एक बॉटम लाइन होती है जो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कई बार ऐसे भी केसेस दिखाई दिए हैं, जैसे लोगों ने पैसा डाला, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ थोड़े टाइम के लिए, तो एकदम से आता ना अंदर से कि भाई ये मैंने तो आज भाई प्रॉफिट कमा लिया, बंदा और पैसा डाले जा रहा है, लोगों से उधार लेके पैसा डाले जा रहा है, अपना उसका खुद का कुछ है नहीं लेकिन फिर भी पैसा डाले जा रहा है। अब एक टाइम ऐसा आया उसने बिना रिसर्च के पैसा डाल दिया, क्योंकि उसको जो शुरुआत में प्रॉफिट हुआ उससे वो इतना खुश हुआ कि उसने लोन पे लेके पैसा डाल दिया। अब लेकिन अगर उसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होती या उसने अच्छा रिसर्च किया होता तो उसको ये स्टेप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब कुछ समझ चुका होता, लेकिन उसको सब कुछ समझ नहीं थी, उसने पैसा डाल दिया। अब हो सकता है जो लोन पे उसने पैसा अच्छा खासा मोटा उठाया उस पे उसको लॉस होना चालू हो गया, ठीक है। अब वो जो थोड़ा सा जो प्रॉफिट शुरू का था, अगर वो उसको अच्छे से यूज़ करता, अपना माइंड थोड़ा सा यूज़ करता वहाँ पे, तो वो लोन लेके या फिर अपनी जो बॉटम लाइन थी या जो उसकी रिस्क एबिलिटी थी उसको क्रॉस करके फर्दर इन्वेस्टमेंट ना करता, या फिर इन्वेस्टमेंट करता तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन रखता। तो हर चीज़ की एक बॉटम लाइन आपको पता होनी चाहिए ताकि आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ, एटलीस्ट मतलब सेफ तो 100% सेफ तो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फाई होगी जब आप एक फुल और अच्छा एक सोच समझ के डिसीजन लेंगे कि भाई आपने जो किया उसमें आपने 100% मेजरमेंट्स लेने के बाद भी आपको जो हुआ वो हुआ, आगे आप उसको सुधार सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर आपके पास सेविंग है 1,00,000 रुपये की, तो आप पूरा का पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ये मैंने अपनी लाइफ में खुद इन्वेस्टमेंट करके जो सीखा है ये मैं बता रहा हूँ कि अगर एक आपके पास जितना भी पैसा है पूरा एक साथ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कभी भी, उसको पार्ट्स में बांट के आप डिवाइड करके तब इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि अगर आपको कहीं पे लॉस होता है या इन फ्यूचर आप उसमें थोड़ा सा भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप जो आपने पैसा बचा लिया है पीछे के लिए या आगे के लिए आप उसमें से उसको डाल सकते हैं। आप किसी के लोन के नीचे नहीं आएंगे, आपको मतलब ये टेंशन नहीं होगी कि भाई लोन चुकाना है मुझे, लोन लेके मैंने इन्वेस्टमेंट की थी ये वो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये वीडियो आपके डिमांड पे थी, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन पे सबसे पहले मिल जाएँ, ठीक है। थैंक यू।